कल से गए, इतने सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं, सर मेरे इतने मार्क्स आए, अब आगे क्या होने वाला है, आगे कैसा होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि आगे आप कैसा कैसा सीन होने वाला है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों को अनटोल्ड कॉन्सेप्ट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जैसा कि आपको पता है, सैनिक स्कूल का रिजल्ट फाइनली रिलीज हो चुका था, कल उसका रिजल्ट आ चुका था, आप लोगों ने चेक करा होगा, राइट। जिसने चेक नहीं करा एक बार चेक कर लेना, अगर चेक करना नहीं आ रहा तो वीडियो मैंने बनाया जिससे पहले वाले वीडियो आप लोग देख लेना, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे चेक करना है। बाकी सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने जो मेहनत करी थी, जो एक जुनून के साथ आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करी थी, ये जर्नी करी थी, उसका रिवॉर्ड आपको मिल चुका है। ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे, यही मैं कामना करता हूँ, यही मैं होप करता हूँ कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए होंगे, जैसा कि फ्रीक्वेंट ही हो चुके कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। और कल से गए, इतने सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं, सर मेरे इतने मार्क्स आए, अब आगे क्या होने वाला है, आगे कैसा होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि आगे आप कैसा कैसा सीन होने वाला है। सबसे पहले गाइज, अभी हमने देखा क्या कि सर हमारी, ये मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा था, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आपका रिजल्ट आ गया। अब जो रिजल्ट आया उसमें कई सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं, सर हमारे वहां पे लिखा है क्वालिफाई, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइड फॉर रिटर्न एग्जाम, रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया गया। क्वालिफाई मतलब, क्वालिफाई का मतलब क्या होगा गाइस, कि ये आप इसमें पास हो चुके हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो आपका कोई पेपर होता है 10 नंबर का, वो पेपर होता है आपका, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क 10 नंबर है, उसमें से पास मार्क हमने रखे हैं मान लो 3, जिसके 3 नंबर आएंगे वो क्वालिफाई कर गया, उसने उसे पास कर दिया गया। मान लो किसी के 2 नंबर आए तो वो क्वालिफाई नहीं होगा, जिसकी 3 आई क्वालिफाई, 4 आई क्वालिफाई, 5 आई क्वालिफाई, 7 आई क्वालिफाई, आई बात समझ में। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है कि जिसके कम से कम यहाँ पे 3 नंबर आएंगे, 3 मार्क्स आएंगे वो क्वालिफाई होगा। सेम थिंग हम यहाँ अप्लाई करते हैं, अगर मैं क्लास 9th की बात कर रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है 400 मार्क्स का आपका पेपर होना था, ठीक है, इसमें से जो क्वालिफाई क्राइटेरिया है, ठीक है, आई थिंक वो 40% होगा, ठीक है, ओवरऑल आपका 40 या 50% होगा, ठीक है, 40 या 50% होगा, वो आपका ओवरऑल होना चाहिए था, राइट, इतने परसेंट आने चाहिए थे। फिर दूसरी बात, हर एक सब्जेक्ट में आपके 25% मार्क्स होने चाहिए थे, ठीक है। कई सारे बच्चों के साथ क्या हुआ कि उनके नंबर तो आ रहे हैं, मान लो 270 आ रहे हैं, 220 आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लिखा है नॉट क्वालिफाई, वहाँ पे नॉट क्वालिफाई लिखा है, तो गाइस वहाँ पे क्या दिक्कत होगी। ओवरऑल आपका रिजल्ट तो सही है, ओवरऑल तो आपको 40-50% आ रहे हैं, बट दिक्कत कहाँ हो गई, वहाँ पे दिक्कत कहाँ पे हो गई, आपके किसी एक सब्जेक्ट में आपके थोड़ी कम मार्क्स आ गए, 25% से कम मार्क्स आपके वहाँ पे आ गए, इससे आपका वहाँ पे डिसक्वालीफाई हो गया, नॉट क्वालिफाई आपका वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि ये क्वालिफाई का चक्कर क्या है। अब फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा सेलेक्शन हो गया, लिटरली बोल रहा हूँ, मैसेज आ रहा है सर मेरा सेलेक्शन हो गया। देखो गाइज, क्वालिफाई मार्क्स तो आप, अगर ऐसे की बात करूँ, अगर अगर किसी के आई मीन 110 मार्क्स भी होंगे तो उसका भी क्वालिफाई हो रखा होगा, ठीक है। अब देख लो 400 में से 110 नंबर पे, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है, एसटी के लिए क्राइटेरिया अलग है, जनरल के सबसे ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं, राइट। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम क्वालिफाई होगी, क्या हमारा सिलेक्शन हो गया, तो बिल्कुल भी आपका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, वो अब मेरिट बनेगी। मेरिट का क्या सीन होगा गाइज, मेरिट किस हिसाब से बनेगी, सब मेरिट से पहले अभी उन्होंने एक बार एनटीए ने साइट पे एक बार उन्होंने क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट डालनी है, ठीक है, अभी वो क्या डालेंगे वहां पे गाइज, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट उन्होंने एक बार वहां पे डाल देनी है। ध्यान से समझना, क्वालिफाइड कैंडिडेट की जैसे वो वहाँ पे लिस्ट डालेंगे, उसमें उनके आएंगे जो उन्होंने क्वालिफाई करा होगा, नॉट क्वालिफाई वालों का नहीं आएगा, स्कूल वाइज वो उसे डाल सकते हैं कि किस स्कूल में किस किस बच्चों ने अप्लाई करा था और कौन कौन से क्वालिफाई हुए, सिर्फ वहाँ पे क्वालिफाइड लिस्ट आएगी, क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, रिपीट, कई सारे बच्चों को ये हो रहा है कि सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है, अभी आपने सिर्फ एग्जाम को पास करा है, इसके बाद क्या होने वाला है, आपकी मेरिट लगेगी। मेरिट किस बेस पे लगेगी कि जिन बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई करा है उनको लिया जाएगा, अब सैनिक स्कूल में सीट देके जाएंगे, जिस सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई करा है वहाँ सीट्स देखे जाएंगे, वहाँ कितनी सीट है, अगर वहाँ 2 सीट है, 3 सीट है, 10 सीट है, 20 सीट है, उतना ही बच्चों को लिया जाएगा। बट मेडिकल के लिए जनरली एक सीट पे, मेडिकल के लिए एक सीट पे आपको 3 कैंडिडेट को बुलाया जाता है और 3 में से 1 का सेलेक्शन होना है। मान लो कहीं पे 2 सीट है, 6 बच्चों को बुलाया जाएगा, वो किस बेस पे, उसी के लिए तो आपकी मेरिट लगेगी। सबसे पहले हाईएस्ट नंबर वाला आएगा, फिर उसके कम, उससे कम, उससे कम। मान लो कहीं पे मुझे सिर्फ 3 बच्चों का सेलेक्शन चाहिए, मैक्सिमम नंबर मेरे वहाँ पे 10 थे, 10 में से 1 के आए 9, 1 के आए 8, 1 के आए 7, 1 के आए 6, 1 के आए 5, जनरली समझाने के लिए। तो सबसे पहले 9 वाला आएगा, फिर 8 वाला आएगा, फिर 7 वाला आएगा, ये दोनों
कट, जबकि ये क्वालिफाई थे ये मान के चल लो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जितने क्वालिफाई हुए हैं उन सबका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन मेरिट बेस्ड होगा, ठीक है, आप जो क्वालिफाई होंगे उनकी मेरिट लगेगी, मेरिट किस हिसाब से लगेगी मैंने आपको समझा दिया, स्कूल वाइज लगनी है, कैटेगरी वाइज लगनी है, जिस स्कूल में आपने अप्लाई करा होगा और वहाँ किस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल करा है उसके उस बेस पे आपकी मेरिट लगेगी। इसके बाद मेडिकल होगा, एक पे मैंने बोला तीन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तीन में से एक का सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि अब इसके बाद क्या हो जाएगा, मेडिकल के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, कई सारे बच्चे इसमें पीछे हो जाते हैं, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट तो होते नहीं है, एग्जाम के टाइम वो डाल देते हैं, कैसा भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे गाइस आपकी हो जाएगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको सीधे एडमिशन लिया जाएगा। इसमें इंटरव्यू ऐसा प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर नाम का इंटरव्यू नहीं होता है, अगर पूछा जाएगा तो मेडिकल में थोड़ी बहुत देखा जाएगा, हाँ भाई बच्चा है कि नहीं है, जिंदा है कि नहीं है, ठीक है, वो होगा, उसी को आगे एडमिशन दिलाया जाएगा, राइट। तो फिर बोल रहा हूँ क्वालिफाई जो लिस्ट है अभी आपके रिजल्ट पे जो लिखा है कि क्वालिफाइड, वो सिर्फ आपको लिखा है कि आपने एग्जाम को पास कर दिया है, एग्जाम को पास करना अलग बात है और सिलेक्शन होना अलग बात है, आई बात समझ, लेकिन बहुत बढ़िया आप लोगों ने मेहनत करी, आप लोग क्वालिफाई हुए, कुछ लोग तो क्वालिफाई नहीं कर पाए एग्जाम को, इतने कम मार्क्स भी नहीं ले पाए, वो तो रेस में नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनको भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे अच्छे से बेहतर करते जाना है। अब जैसा भी हुआ गो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, जिन लोगों का रिजल्ट अच्छी नहीं आया अगली बार ट्राई करना, बिल्कुल मजे से पढ़ना, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज समझ आ जाए। नेक्स्ट बैच हमारा चल रहा है, ठीक है, उसमें बिल्कुल प्रॉपर आपको क्लास होती है, डेली क्लास होती है, वीक में हर वीक आपको टेस्ट होता है, डेली आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते हैं, डीपीपी जिसे आप कहते हो आपकी लैंग्वेज में, और मेन चीज कॉन्सेप्चुअल आपको क्लासेस मिलती है, और उससे भी मेन चीज मिनिमम फी होती है, और हर टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ एनी टाइम डाउट, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी आप जितने भी यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनका हर किसी के मैं क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, बाकी जब आप पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे उसके बाद तो ऑब्वियसली आपको आप पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, मेन फोकस आप पे रहेगा, पहले सब पे सबको टाइम मैं इस हिसाब से ट्राई करता हूँ कि सबको सबकी क्वेरी सॉल्व कर सकूँ, लेकिन फिर भी वो आपको प्रॉपर मिल जाता है, और जब आपकी जेब से एक रुपया भी जाता है ना, जब आपकी एक रुपया भी जाता है तो आप में थोड़ी सीरियसनेस वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, बाकी अपने हिसाब से देख लेना। अब इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जैसा भी होगा, ये मैंने आपको एक रफ चीज बता दी कि कैसा कैसा चीज वहाँ पे होने वाले, फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन होगा तो कमेंट कर लेना, डेफिनेटली मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा, किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हो उसे भी बता देना, ठीक है। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन नए मोटिवेशन के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, अच्छे काम को करने में देर नहीं करनी चाहिए, जितनी देर करोगे उतने पीछे होते जाओगे, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ओके, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।